सो हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इंग्लैंड ने लगभग ये मुकाबला जीत लिया है, अब मात्र 30 गेंदों में, और 13 रन चाहिए केवल इंग्लैंड को जीतने के लिए दोस्तों। और समीम बॉलिंग करा रहे हैं इस वक्त, और जोस बटलर खेल रहे हैं और उठा के खेल दिया है, ये कैच हो सकती है लेकिन नहीं हुई है। और मात्र 13 रन चाहिए, 2 रन ओवर बन गए दोस्तों। 11 रन चाहिए मात्र इंग्लैंड को जीतने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने 168 रन का टारगेट दिया था, जिसमें विराट कोहली ने 50 रन की पारी खेली थी, साथ ही हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों में 63 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसकी मदद से 168 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, जो कि बहुत छोटा टारगेट था। मैं शुरू से बोल रहा था कि ये टारगेट बहुत छोटा है, इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ताबड़तोड़ है और अच्छी बैटिंग है, लंबी बैटिंग है, तो ये टारगेट बहुत छोटा है। अभी दोस्तों 29 गेंदों में 11 रन चाहिए है और 158 रन बन चुके हैं। और जॉस बटलर जो है अभी शायद 72 रन पे खेल रहे हैं, और एलेक्स हेल जो है वो 81 रन पे खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैच लगभग ख़त्म कर दिया है इंग्लैंड ने और जीत लिया है, और फाइनल में अब दावेदार हो गए हैं दोस्तों, फाइनल के दावेदार हो गए हैं इंग्लैंड, और 29 गेंदों में 11 रन। अभी देखते हैं दोस्तों, और ये डॉट बॉल शमी फेंक रहे हैं बॉल दोस्तों, ये डॉट बॉल हो गई है, और अभी भी 11 रन की दरकार है इस मैच को ख़त्म करने के लिए। और इंग्लैंड दोस्तों शानदार बल्लेबाजी की, अभी भी कोई विकेट गिरा नहीं है दोस्तों इंग्लैंड का। मैं आपको बता दूं कि जब से इंग्लैंड ने शुरुआत की है बैटिंग करना, और जॉस बटलर 73 रन पे खेल रहे हैं और एलेक्स हेल 81 रन पे खेल रहे हैं, जब से इंडिया ने बॉलिंग की है अभी तक इंडियन बॉलिंग की साइड से कुछ भी ऐसा घटा नहीं है, कुछ भी ऐसा। ये बॉल देख लेते हैं और दोस्तों, ये एक और शॉट खेल दिया है, यहाँ पे 2 रन मिल सकते हैं लेकिन एक रन लिया है। तो दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं घट रहा है जो इंडिया के साइड में घटे। हालांकि जब बैटिंग जब चल रही थी तभी पावर प्ले में बहुत कम 38 रन बनाए थे केवल। तो अभी दोस्तों लगभग इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया दोस्तों, 159 रन हो चुके हैं, और अब केवल 159 रन हो चुके हैं अभी। और अब दोस्तों मात्र औपचारिकता रह गई है इस मैच में, और इंग्लैंड ने दोस्तों लगभग ये मैच जीत लिया है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। और एक और शॉट खेल दिया है और ये शानदार चौका लगा दिया है दोस्तों, जोस बटलर ने एक और चौका लगा दिया है, हेल्स ने लगाया दोस्तों चौका मोहम्मद शमी की गेंद, और 163 रन हो गए हैं, और दोस्तों 163 रन हो चुके हैं, और अभी देख सकते हैं दोस्तों। तो गाइस, इंडिया ने सेमीफाइनल गवा दिया है, और इंग्लैंड दोस्तों इस मुकाबले को लगभग जीत गई, मात्र 6 रन चाहिए 26 बॉलों में दोस्तों, केवल 6 रन चाहिए हैं इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए। 163 हो चुके हैं, 169 बना रहे हैं, तो समी की अगली बॉल, और यहाँ पर दोस्तों 1 रन मिला, 5 रन अभी भी चाहिए, और 25 गेंद बाकी हैं। तो गाइस, पाँच रन चाहिए केवल जीतने के लिए दोस्तों इंग्लैंड को, और ये बॉल अच्छी थी। और दोस्तों, मैं बता रहा था कि आपको इंडिया साइड से बॉलिंग जब से हो रही है तब से इंडियन बॉलिंग को कोई मदद नहीं मिली है, ना कोई स्विंग हुई है, ना कोई कैच, ना कोई कुछ, मतलब एक तरफा मैच चल रहा है। शुरू से 10 के रन रेट से रन बनते चले जा रहे हैं दोस्तों लगातार इंग्लैंड के बैटमैन दोनों ओपनर, अभी तक ये कोई विकेट भी नहीं गवाया है। और दोस्तों, ये एक और छक्का लगा दिया है, और इस स्टाइल में मैच ख़त्म कर दिया दोस्तों इंग्लैंड ने, ये छक्का लगा के जोस बटलर ने छक्का लगा के इस मैच को ख़त्म कर दिया है, और मैच अपने नाम कर लिया है दोस्तों, और इंग्लैंड ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। तो गाइस, 10 विकेट से इंग्लैंड ने मात दे दी है इंडिया को, और फाइनल में जगह बना ली है। और दोस्तों, जोस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं होने देंगे, और वही हुआ दोस्तों, जोस बटलर ने ये मैच जीत लिया है दोस्तों। जोस बटलर कप्तान है, और उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल नहीं होने देंगे, और दोस्तों अब जोस बटलर ने मैच जीत लिया है, छक्का लगा के 5 रन चाहिए थे, छक्का लगा दिया था, और दोस्तों इंडिया ने ये मैच गवा दिया है। जैसे कल न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, न्यूजीलैंड के जब बॉलिंग कर रही थी तो वैसा कुछ घट नहीं रहा था, लगातार रन बन रहे थे, चौके छक्के लग रहे थे, ठीक वैसा ही आज दोस्तों हो रहा था। हेल्स और जॉस बटलर दोनों लगातार रन बनाते जा रहे थे, और कुछ भी ऐसा नहीं घट रहा था जो इंडिया की तरफ से अच्छा हो और विकेट्स निकले हैं, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। 10 विकेट से मैच हम हार चुके हैं, इंडिया दोस्तों इस मैच को हार चुका है,
और फाइनल में इंग्लैंड पहुंच सकते हो।